ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें सर्वश्रेष्ठ खुशियों का खजाना दिया है, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं और खुशी से ब्रेन को बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जाते हैं, जिससे मनुष्य हेल्दी भी रहता है और जो खुश हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास भी होता है, जो खुश हैं सफलता भी उनको सहज मिल जाती है और हमारी खुशी की झलक तो दूसरों को ये महसूस कराएगी कि इन्हें सचमुच कोई महान प्राप्ति हो गई है। संसार में आज खुश रहना बहुत कठिन होता जा रहा है, जैसे और सब महंगाई बढ़ रही है वैसे खुशी भी महंगी होती जा रही है। परिवारों में अपने ही लोग अपनों की खुशी छीन रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर मनुष्य खुश नहीं रहता है, इसलिए खुशी और मनोरंजन के मनुष्य ने अनेक स्थूल साधन बनाए हैं, परंतु आंतरिक खुशी का फिर भी अभाव है। हम सभी तो संसार में सबसे अधिक खुश नसीब हैं। भगवान का साथ मिला इस जीवन में, याद रखें सारा दिन कार्य करने को मिला भगवान के साथ, उसने महान कार्य दे दिया विश्व कल्याण का, अपना साथी बना लिया हमें। सवेरे उठते ही भगवान से मिलन होता है, पढ़ते हैं तो स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। सोचो, हम भोजन भी भगवान के लिए बनाते हैं, वो स्वयं हमारे साथ आ जाते हैं भोजन स्वीकार करने के लिए। हम जैसा भाग्यवान कौन होगा। सारा दिन हम कार्य करते हैं तो अकेले नहीं करते, स्वयं भगवान हमारी छत्र छाया बनकर हमारे साथ रहते हैं। तो हम खुशियों के खजाने से स्वयं को भरपूर करें, स्मृति में रखें क्या मिला है और सारा दिन रोज क्या क्या मिलता है। बहुत अच्छी बात, एक बाबा ने कहा, तुम जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि तुम प्रभु पालना में पलते हो। सोचो कौन सी पालना। सवेरे तुम्हें भगवान स्वयं जगाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, और कहा दिन में अगर कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू पोंछते हैं। फिर कहा कि अगर दुनिया वाले ये सब सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और बाबा ने उत्तर दिया, तुम उन्हें बता दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है, वो हमारा साथी है, हमारा गुड फ्रेंड है, हम उससे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जब चाहे उससे बात कर सकते हैं, वो सदा हमें मदद देने के लिए तैयार है। भगवान का साथ मिला, सोचा तो इतना था कि तुम्हारे दर्शन हो जाएं, पर वो आए हमारे हो गए और साथी बन गए। इतना बड़ा भाग्य हमें निरंतर खुशी प्रदान करता रहेगा, तो बाबा हमारे लिए खाली बैठा है। सोचें, भगवान हमारे लिए खाली हो तो हमें उसका यूज कैसे कर लेना चाहिए। अपने सद्विवेक का प्रयोग करें। खाली है भगवान हमें मदद करने के लिए सदा, केवल बुद्धि का टेलीफोन मिला दें और उसकी मदद प्राप्त करने लगे, इस अधिकार का पूरी तरह फायदा उठाएं। तो आज सारा दिन में हर घंटे
बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, बाबा अपना धाम छोड़ कर हमारे पास आ जाओ, प्यार से बुलाएंगे और देखेंगे दोनों आ गए हैं हमारे सामने और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। हर घंटे में एक बार बाबा को अवश्य बुलाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।